बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। कार दुर्घटना के एक मामले में देश की एक बड़ी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा के मालिक और बड़े उद्योगपतियों में शुमार आनंद महिंद्रा पर केस दर्ज होने से उद्योग जगत में खलबली मच गई है। यह केस कानपुर निवासी एक बुजुर्ग ने धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में दर्ज कराया है। इसमें आनंद महिंद्रा सहित कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह केस अदालत का आदेश आने के बाद दर्ज हुआ है। कानपुर के जूही कॉलोनी निवासी राजेश मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने आनंद महिंद्रा के विज्ञापनों और उसमें दिखाए गए सेफ्टी फीचर से प्रभावित होकर अपने बेटे डॉक्टर अपूर्व मिश्रा को महिंद्रा की स्कॉर्पियो कार दिलाई थी। यह कार उन्होंने वर्ष 2020 में श्री तिरुपति ऑटो एजेंसी से 17 लाख रुपए में खरीदी थी। कार खरीदने के 2 साल बाद जब उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ जा रहा था तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिता का कहना है कि हादसे के वक्त उसने सीट बेल्ट भी पहनी थी। इसके बाद भी कार के एयर बैग नहीं खुले जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। जी अनुराग जी, मैं रवि उत्तम राणा एडवोकेट हूँ। मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद देखता हूँ, प्लस कानपुर भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये मामला मेरे पास आया था, ये महिंद्रा के अगेंस्ट एक ऐसा मामला है जो बड़ा दिलचस्प मामला है और सभी ने इसको कहा कि कंज्यूमर फोरम का मामला है, लेकिन इसी वजह से पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की। जो मेरे पास आया मामला ये 2022 में जून में, जब पूरी तरह से राजेश मिश्रा जी हताश हो गए, तब मैंने इसमें स्टडी किया इसको केस को। फिर मैंने इसको लीगल नोटिस सेंड किया ऑल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ महिंद्रा, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये कंज्यूमर फोरम के अलावा भी क्रिमिनल मुकदमा बनता है। FIR जब नहीं लिखी गई तो फिर हमने इसको कोर्ट में 156(3) के माध्यम से न्यायालय की शरण में गए और वहाँ पर हमने न्यायालय को सारे एविडेंस दिए, अपनी आर्गुमेंट की और बताया, और उनसे लॉर्डशिप को मैंने बताया कि कंज्यूमर फोरम से हमें न्याय क्या मिलेगा, न्याय पैसा मिलेगा। बट मेरा क्लाइंट कह रहा है मुझे, मेरा इकलौता पुत्र खत्म हुआ है जो महिंद्रा गाड़ी की कमियों की वजह से, एयरबैग ना खुलने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। एक नॉर्मल सा गाड़ी टकराती है डिवाइडर से, वो पलट जाती है और इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है कि उसकी सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी एयरबैग ना खुलने की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना रही। तो इसी बात को लेकर के लड़ाई चल रही है, बहुत सारी लीगल नोटिस पहले गई, उनके जवाब भी आए। देन आफ्टर कोर्ट में जब मैंने जस्टिफाई कर दिया कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, कि नहीं सर, ये उपभोक्ता फोरम का मामला हो सकता है, अगर जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे और हमें पैसा नहीं चाहिए, तो हमें रिलीफ कहाँ से मिलेगी। तो मेरे क्लाइंट ने कहा कि मुझे रिलीफ चाहिए, तो फिर मैंने उसको न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस किया और मैंने न्यायालय से कहा कि सरकार हमें न्याय, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें न्याय दीजिए। तब न्यायालय ने सारे एविडेंस देखे, मैंने 8 महीने में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे केसेस कलेक्ट किए और उनके माध्यम से जब मैंने कोर्ट को जस्टिफाई कर दिया, तब कोर्ट ने महिंद्रा के 12 डायरेक्टर्स और तिरुपति मैनेजर तिरुपति महिंद्रा, जिसने उनके साथ में अभद्रता बदतमीजी की, उनके खिलाफ आदेश, FIR का आदेश न्यायालय ने किया है। जी हाँ, आनंद महिंद्रा जी का नाम है, क्योंकि आनंद महिंद्रा की करीब कही हुई 100 क्लिप है मेरे पास, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी सेफेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये गाड़ी है और 5-स्टार रेटिंग भी है, और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है कि डॉक्टर अपूर्व मिश्रा की डेथ हो जाती है एयरबैग ना खुलने की वजह से। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि एयरबैग क्यों नहीं खुले, या एयरबैग हैं या नहीं हैं, या एयरबैग जिस कंपनी के लगने चाहिए, जो उनका मापदंड होना चाहिए वो मापदंड पूरा करता ने कर हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से अब टेक्निकल मुआयना जैसे ही होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि इसमें क्या रीजन रहा कि एयरबैग नहीं खुले या एयरबैग है कि नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।